भाई सब जो है गाय पूरा तैयार हो गया है पक करके, ठीक है। इसमें जो है हार्वेस्टिंग करना, इसका पत्ता सब यानी नर सब धान जो है भी जो अभी है गाय हर रहा पूरा सूख गया है, ठीक है। और इसका पेड़ सब जो है प्लांट सब जो है पूरा मरमरा गया है, यानी धूप लगने पर जो है इसका नमी जो भी था पूरा सूख गया है, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज गाइज हम अपने खेत में हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोग दिखाएंगे, किस प्रकार से जो है हम लोग खेतों में जो धान लगाए थे उसका जो है हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाएंगे किस प्रकार से जो है विधिवत हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं और देहाती लोग किस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को पूरा पता चल सके किस प्रकार से जो है देहाती लोग काम करते हैं खेतों में और किस प्रकार से धान का उपज करते हैं। सारा कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आप लोग पूरा विधि दिखा सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज फाइनली अपने खेत में देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, खेत का नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पर धान का खेती हम लोग लगाए हुए थे। और इसमें जो है गाइज हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बाइल सब जो है गाइज पूरा तैयार हो गया है पक करके, ठीक है। इसमें जो है हार्वेस्टिंग करना, इसका पत्ता सब यानी नर सब जो है अभी हर रहा है, इसमें कटिंग जो है अच्छा से होता है, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो है गाइज हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है धूप में 2 दिन छोड़ने के बाद ये अच्छी तरह से सूख जाता है। उसके बाद इसमें गोछा बना करके बांधने पर और जो है मशीन में, थ्रेसर मशीन में डालने पर अच्छा से जो है इसमें निकलता है धान वगैरह, ठीक है। और पूरा सूख जाएगा ऐसा बाइल सब, पूरा मर जाएगा पेड़, तो इसमें जो है कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग जो है हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी इसका कटाई करेंगे अभी ही करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हर्रा है तो इसमें काटने में भी सुविधाजनक होता है। सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस प्रकार से हम लोग कटिंग वगैरह करते हैं, किस प्रकार से गोछा बनाते हैं, किस प्रकार से जो है इसमें छोड़ते हैं धूप में लगने के लिए, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और देहाती स्टाइल में किस प्रकार से काम होता है, सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं पूरा जो भी धान लगा हुआ है चारों तरफ, अभी सबको जो है गाइज पूरा कटाई होगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग पूरा विधि दिखा सके किस प्रकार से हम लोग देहाती स्टाइल में धान को कटाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज फाइनली हम जो है काटने का विधि आप लोगों को दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जो है धान की कटाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम खेत में हैं और जो है काटने का जो है प्रक्रिया हम कर रहे हैं। जैसे कि जो है आप लोगों को बताया हम लोग बीड़ा बनाते हैं, बीड़ा बनाने के लिए जो है गाइज धान का ही जो है बांधने के लिए हम लोग रस्सी टाइप में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है धान का बाइल सबको काट करके रखते हैं और उसको जो है बीड़ा बनाया जाता है। तो सबसे पहले धान को जो है 2000 बूदा को काट लेना है, उसके बाद जो है देखिए किस प्रकार से सफाई कर लेना है, उसके बाद 2 भाग में बांट लेना है और उसको जो है मोड़ करके जो है बांधना पड़ता है कुछ अलग तरीका से। जैसे कि आप लोग दिखा रहे विधि देख सकते हैं आप लोग, पूरा बारीकी से साफ़ कर लेना है, उसके बाद मोड़ करके जो है देखिए घुमा करके इस तरह से मोड़ लेना है, उसके बाद जो है एक बार घुमा देना है इसे करके घुमाने से और इसे मोड़ करके अब इसको रख देना है नीचे। अब इसमें जो है धान का बाइल सबको काट काट के रखना है, इकट्ठा करना है, उसके बाद जब यह भर जाएगा तब इसको जो है छोड़ देना है, फिर दूसरा इसी तरह बनाना है और फिर से काटना है। यानी इसी तरह से गाइज बनाते जाना है और पूरा जो है धान का कटाई किया जाता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग धान को काट करके जो है उसी जो बनाए हम रस्सी टाइप में उसी मर जो है सब काट कट के रख रहे हैं और जो वो भर जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अभी जो है गाइज नर सब हर्रा है, इसी चलते अभी हम बांधेंगे नहीं, ठीक है, बीड़ा नहीं बनाएंगे अभी, इसको जो है बाद में बीड़ा बनाया जाएगा। क्योंकि जो है गाइज अभी इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे हम लोग, 2 दिन के बाद इसका नर सब पूरा सूख जाएगा, उसके बाद इसमें जो है बीड़ा बनाने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार जो हम पूरा काटने का प्रयास कर रहे हैं, हम इधर काट रहे हैं, मम्मी पापा उधर जो है पीछे साइड काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम कैमरा को रख करके आप लोगों को दिखाने के लिए हम ये सब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। पापा सब और मम्मी उधर काट रही है और हम इधर आप लोगों को दिखा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग काटते हैं देहाती स्टाइल में, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे, किस प्रकार से अभी बीड़ा बनाएंगे उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो किस प्रकार से जो है धान को कटाई करने के बाद छोड़ दिया जाता है, किस प्रकार से जो है सूख जाता है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप लोग लगातार जो है गाइस जिस तरह से हम लोग को गोछा बनाना पड़ता है, यानी बारीकी से काटना पड़ता है, अभी देख सकते हैं पूरा इसका धान का बाइल सब जो है
हरियर अभी दिख रहा है, यानी हरा हरा टाइप में दिख रहा है। यही दो दिन इसमें धूप पड़ेगा तो ये पूरा जो है सूख जाएगा, इसका जो है धान भी पूरा सूख जाता है, ठीक है। बाद में घर में लेकर के सुखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। दो दिन छोड़ने पर ही जो है धूप में पूरा सूख जाता है, और जो है देख सकते हैं इसी तरह से गाइस पूरा खेत को जो है काटना पड़ेगा, और उसको जो है दो दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा धूप में, उसके बाद जो है बीड़ा बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं दूसरा खेत में आ गए हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार से काट रहे हैं, काफ़ी धूप भी है अभी, ठीक है। और देख सकते हैं बारीकी से इधर कटाई हो रही है, इधर लगभग आधा कटा गया है खेत। इसी तरह से पूरा खेत काटना पड़ेगा, ठीक है। एक दो दिन में कटा जाएगा, हम लोग तीन जन काट रहे हैं तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है, ठीक है। और देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद जो है गाइस पूरा खेत का नज़ारा ही कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। अभी धान ही पूरा है तभी का नज़ारा, और कटने के बाद का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा किस प्रकार से कटने के बाद लगेगा, ठीक है। इसमें जो है गाइस कटने के बाद ज़मीन में थोड़ा सा हाल भी है, ज़मीन सूख जाएगा, उसमें जो है गेहूँ लगाने का भी प्रक्रिया होगा इस खेत में, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप लोगों अलग अलग एंगल से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो है खेतों में काम करते हैं, किस प्रकार से जो है धान का खेती को हार्वेस्टिंग किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग नर सब पूरा अभी हर रहा है, ठीक है। ये जो है गाइज दो दिन पूरा नर सब सूख जाएगा, ज़मीन भी पूरा सूख जाएगा एक दो सप्ताह के बाद। तो इसमें जो है ट्रैक्टर वगैरह लगा करके जुताई भी करना होगा, सारा कुछ आप लोग देखने को मिलेगा हमारे चैनल में, ठीक है। खेती से जुड़ा हो चाहे NHI का कोई अपडेट है, सारा कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा मेरे चैनल में। तो आप लोग नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह का अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली जो है हम लोग पूरा ज़ोरों शोरों से काट रहे हैं, पापा मम्मी और हम, ठीक है। अभी जो है गाइस इधर जो है आदमी सब मिलता नहीं है कटाई करने वाला, क्योंकि सब अपना अपना घरों में कटाई कर रहे हैं तो जल्दी मिलता नहीं है। तो हम लोग घर में ही अपने से काट रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, दो तीन दिन, उसके बाद जो है पूरा कटाई हो जाएगी। उसके बाद पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, और किस प्रकार से बीड़ा बनाया जाता है उसको भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। देख सकते हैं पूरा लगातार जो हम लोग कटाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके आप लोग किस प्रकार से कटाई वगैरह कराते हैं। अभी तो बहुत सारा मशीन वगैरह भी निकल गई है, ठीक है। बड़ा बड़ा खेतों में जो है मशीन को लगा करके जो है कटाई किया जाता है, उसमें जो है डायरेक्ट जो है धान निकल जाता है, ठीक है। अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है अभी टेक्नोलॉजी का, लेकिन हम लोग गाँव में जो है देहाती गाँव में इसी प्रकार से कटाई किया जाता है अभी भी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और किस प्रकार से आप लोग कटाई करते हैं, धान का खेती किस तरह से करते हैं आप लोग। तो गाइस आप लोग भी कुछ बताना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोग किस प्रकार से जो है धान के हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कटाई के दौरान, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आगे का विधि दिखाते हैं किस प्रकार से हम लोग अगला विधि को करते हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम लोग का खेत जो लगाए थे जहाँ पर धान का खेती, ये दो दिन के बाद का वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो है गाइस हम लोग काट करके जो हार्वेस्टिंग किए हुए थे, देख सकते हैं आप लोग बारीकी से छोड़ दिए गए थे, इसी तरह से खुले में इसको रखा गया था, और ये बारीकी से पूरा सूख गया है। देख सकते हैं आप लोग जो हार्वेस्टिंग धान किए थे, इसका धान भी जो है गाइस पूरा सूख गया है, ठीक है। और इसका पेड़ सब जो है प्लांट सब जो पूरा मरमरा गया, यानी धूप लगने पर जो है इसका नमी जो भी था पूरा सूख गया है, ठीक है। अब इसको जो है बीड़ा बनाना है हम लोग को, जैसे कि हम लोग पहले से इसको विधि वक्त बना करके रखे हुए हैं। अब इसको जो है बीड़ा बना करके किस प्रकार से बीड़ा बनाते हैं उसको भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम बीड़ा बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार से बीड़ा बनाते हैं। वो अभी खेत में गाइस पूरा इसी तरह से छोड़ा गया, उसमें भी बीड़ा बनाना है, तो सारा कुछ आप लोग को विधि दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग बीड़ा बनाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से हम लोग जो है बीड़ा बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दो दिन पहले जो है इसमें कटाई किए थे, उसको जो है छोड़ दिए थे धूप में सूखने के लिए, तो इसका जो है रस्सी टाइप में धान का ही बनाए हुए थे, तो इसी का जो है गाइस इसी तरह से इसको जो है बीड़ा बनाते हैं हम लोग। बांधना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग जो धान का बाल को बनाए हुए थे रस्सी टाइप में, उसी को जो है पूरा अच्छी तरह से जो है रस्सी टाइप में बांध करके जो इस तरह घुरा करके जो है यहाँ पर मोड़ देने पर ये जो है क्या हो गया, बीड़ा बन गया, देख सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से जो हम लोग को पूरा खेत को जो है गाइस बांधना पड़ेगा, उसके बाद जो है एक जगह इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा करके जो है थ्रेशर मशीन को बुलवाएंगे, उसके बाद इसमें जो है धान का बैल को, यानी जब धान हम लोग को उपज हुआ है वह निकलेगा, उसके बाद हम लोग बोरा में भर के घर लेते जाएंगे, देख सकते हैं इसी प्रकार। तो गाइस आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हम लोग बीड़ा बनाते हैं, उसी प्रकार से वो आज पूरा खेत में देख रहे हैं आप लोग छोड़ा गया है सूखने के लिए, इसको जो है गाइस पूरा बीड़ा बनाना है, उसके बाद जो है जगह इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस को दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दिखाना था गाइस आप लोगों को, दिखाएं किस प्रकार से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं और किस प्रकार से बीड़ा वगैरह बनाते हैं आप लोगों को देखने को मिला इस वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग जो है थ्रेशर मशीन में जो है इसको झड़वाते हैं धान को, और किस प्रकार से पैकिंग वगैरह करके घर लेते हैं, सारा कुछ विधि दिखा
दिखाएंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।